Let's do question number 12th of exercise 12C, that is circles. Question number 12th is, in the given figure, AB is a diameter of a circle with center O and DO is parallel to CB. एक सर्कल दे रखा है जिसमें सेंटर ओ है और डी ओ पैरेलल है सी बी के. इफ बी सी डी, बी सी डी एंगल 120 डिग्री दे रखा है. बी सी डी इज इक्वल्स टू 120 डिग्री. तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट बी ए डी. बी ए डी एंगल निकालना है एंड ए डी बी, ए बी डी, ए बी डी निकालना है. सी बी डी, सी बी डी निकालना है एंड एंगल ए डी सी निकालना है. राइट फ्रेंड्स, और एंड ऑल्सो शो दैट ट्राइंगल ए ओ डी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल. और ये शो करना है कि ए ओ डी इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब हमें कौन कौन सा निकालना है, बी ए डी, बी ए डी ये वाला एंगल, ए बी डी, ए बी डी ये वाला एंगल, सी बी डी, सी बी डी ये वाला एंगल एंड ए डी सी ये वाला एंगल, ये पूरा. राइट फ्रेंड्स, तो कैसे निकालेंगे देखिए. सबसे पहले हमें बी सी डी दे रखा है तो, और हमें पता है दैट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल. राइट फ्रेंड्स, और उसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. तो हम लिख सकते हैं एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. व्हाई, बिकॉज सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटरल इज 180 डिग्री. राइट फ्रेंड्स, अब बी ए डी कितना आएगा ये निकालना है. तो बी सी डी हमें 120 दे रखा है तो एंगल बी ए डी की जगह बी ए डी प्लस 120 इक्वल्स टू 180. तो एंगल बी ए डी कितना आया, 180 माइनस 120, दैट इज 60 डिग्री. राइट फ्रेंड्स, अब ये आ गया हमारा 60 डिग्री. अब देखिए AOB क्या है, डायमीटर है. AB इज अ डायमीटर. राइट फ्रेंड्स, तो एंगल्स ऑन द सेमी सर्कल क्या होता है, राइट एंगल होता है. तो हम ये कह सकते हैं एंगल ADB, ADB is equal to 90 degree. Why? Because angles on semicircle is right angle. Right angle. Right friends? तो ये कितने का आ गया, 90 degree. अब इस triangle की बात करें तो ये हमें निकालना था ABD. ये निकाल सकते हैं. तो in triangle ADB तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो बी ए डी कितना आया, 60 प्लस ए डी बी कितना आया, 90 प्लस एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 180. तो ये कितना आ गया, 150 प्लस एंगल ए बी डी equals to 180. So angle ABD equals to 180 minus 150. That is 30 degree आ गया. Right friends? तो ये आ गया हमारा 30 degree. Right? अब हमें ये angle और निकालना है. और CBD and ADC ये पूरा angle निकालना है. Right friends? तो ये कैसे निकालेंगे और ये कैसे निकालेंगे? देखिए angle हमें पता है OD क्या है, पैरेलल है. नाउ DO इज पैरेलल टू CB. राइट फ्रेंड्स, और BD क्या है उसकी, ट्रांसवर्सल. BD इज अ ट्रांस
वर्सल है, राइट फ्रेंड्स। अब जब ट्रांसवर्सल है और हमने ये वाला एंगल निकाल लिया है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ। एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी, कितना 30 डिग्री। वाई? बिकॉज दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट फ्रेंड्स। ये और ये एंगल क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स है, राइट फ्रेंड्स। तो हमें निकालना था ये पूरा एंगल ए डी सी। एंगल ए डी सी कैसे बनेगा? एंगल ए डी बी को, ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी को एड करके बनेगा। तो कितना आ गया? ए डी बी 90 डिग्री आया था और बी डी सी कितना आया है? 30 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 120 डिग्री, राइट फ्रेंड्स। ये पूरा एंगल यहाँ तक का 120 डिग्री हो गया, राइट फ्रेंड्स। अब हमें निकालना है सी बी डी। तो इन ट्राइंगल बी सी डी की बात करें तो कौन कौन से एंगल? बी सी डी प्लस एंगल कौन सा? ये अभी हमने निकाला बी डी सी प्लस एंगल, ये हमें निकालना है सी बी डी इक्वल्स टू 180, राइट फ्रेंड्स। अब बी सी डी कितना आया था? 120। बी डी सी हमारा आया 30 प्लस सी बी डी हमें निकालना है, राइट फ्रेंड्स। तो ये कितना आ गया? 150 प्लस एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी बी डी कितना आया? 180 माइनस 150, दैट इज 30 डिग्री आ गया, राइट फ्रेंड्स। अब ये भी आ गया 30 डिग्री। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो कैसे करेंगे? देखिए, हमें पता है OA इक्वल्स टू OD है। Why? Because this is the radii of circle, right friends? अब जब triangle की दो sides equal होती हैं, तो उसके opposite angles भी equal होते हैं। तो हम कह सकते हैं OA के opposite है OD A और OD के opposite है OA D, right? Why? Because opposite angles of equal sides are equal, right friends? तो ये कितना आ गया? Angle ODAB कितना आ गया? 60 degree, क्योंकि OAD हमारा ये वाला angle 60 degree आया था। OAD का हो या BAD का हो, बात एक ही है, ये रहा, right friends? अब जब दो 60 degree के आ गए, तो तीसरा भी कितने का आएगा? देखिए, in triangle OAD हमें पता है तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल OAD प्लस एंगल ODA प्लस एंगल DOA, राइट फ्रेंड्स, इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया, राइट। OAD कितना था हमारा? OAD हमारा 60 डिग्री था और ODA भी 60 डिग्री आ गया। DOA हमें निकालना है equals to 180. तो ये आ गया 120 plus DOA equals to 180. तो DOA कितना आ गया? 180 minus 120. That is 60 degree. तो तीनों angles कितने के आ गए? 60 degree. Hence, triangle AOD या कहो या DOA कहो is an equilateral triangle answer. Thank you. If you understand the step-by-step solution of this video, please subscribe my channel on maths and share it with your friends. Thank you.